ऑप्शन, चॉइस, विकल्प, ये सिर्फ हारने वाले के पास होते हैं, क्योंकि जीतने वाले के पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब जिसे जीतना होता है उसे हर हाल में जीतना ही पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सुख और शांति फिनिशिंग लाइन के बाद पड़ी होती है, और फिर नाप तोल कर तो धंधा किया जाता है, इबादत में तो बेटा बस हद पार की जाती है। अपनी लिमिट को पहचानना है तो शीशे में जाकर देख, तू खुद अपने रास्ते में आकर क्यों खड़ा हो जाता है। लिमिटलेस बनने के लिए हर लिमिट को तोड़ा जाता है। बैठ जाने का ऑप्शन सिर्फ टिकट लेने वालों के पास है। खिलाड़ी को जब तक जीत ना मिल जाए तब तक साला चलते रहना पड़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और चलते जाने के लिए जब तक हमारे पास वजह नहीं है तब तक हम बस यही सोचते रह जाएंगे कि हम बार बार रुकते क्यों हैं। क्योंकि जिसके पेट में चूहे कूदरे ना वो सूखी रोटी को भी जलेबी की तरह खाता है। जिसके पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन पड़ा है वो हमेशा ही उस दूसरे ऑप्शन की तरफ खींचता चला जाएगा। और मैं नहीं कहता कि जीतना जरूरी है, अगर तुम्हारे लिए जरूरी है तो जीतो, वरना हार तो दुनिया कब से रही है। क्योंकि बहुतों के लिए जीतना भी एक चॉइस है, लेकिन जो जीतता है उसके लिए जीतना ही चॉइस है। कुछ समझ में आया? अगर मैं अपनी चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दूंगा, मतलब बाकी हर ऑप्शन को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखूंगा, तो उस पर फोकस बनाना मेरे लिए ज्यादा आसान है, ना कि हजारों अलग अलग ऑप्शंस पर। हमारी तरह हमारा फोकस भी लिमिटलेस है, लेकिन जैसे फोकस को डिवाइड करना शुरू करते हैं वो लिमिटलेस से लिमिटेड हो जाता है। अपने एफर्ट्स को वेस्ट करने का इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। अगर गोल्ड के लिए भागेंगे तो जरूरी नहीं है कि हारे तो सिल्वर और ब्रॉन्ज हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कोई माइका लाल सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए भी दौड़ रहा है। तुझे गोल्ड चाहिए था, तुझे नहीं मिला, पर तेरे को मैं अपना सिल्वर भी लेने नहीं दूंगा। दिस इज द स्पिरिट दैट वी मस्ट हैव। जो चाहिए वो मैं लेके जाऊंगा, यही हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए।